अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आर फूड स्टूडियो। आज मैं बना रही हूँ चिकन डोनट्स। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और जल्दी बन जाएगी ये। चले इस रेसिपी को अब स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और मैं इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। आप चाहे तो इसे रफली भी चॉप कर सकते हैं। इससे मैं अब चॉपर में डालूंगी और इसके साथ जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसी के अंदर ऐड करती जाऊंगी और फिर इसे हमने अच्छे से चॉप कर लेना है। इसमें जाएगा एक प्याज और एक शिमला मिर्च। इसे मैं रफली चॉप कर लूंगी दोनों को, प्याज को और शिमला मिर्च को। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले हाफ टी स्पून नमक जाएगा इसमें। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून ओरिगानो। हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर। हाफ टी स्पून जाएगा जिंजर पाउडर। अब हमें लेना है दो ब्रेड के स्लाइसेस और उसे छोटा छोटा रफली चॉप करना है और वो भी इसी में ऐड कर देना है। ये बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपके डोनट बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना इनमें क्रैक्स आएगा। आप इसे फाइन चॉप कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह का होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दो स्लाइस चेडर चीज़ के और इसे फिर से चॉपर में एक बार चॉप कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को बाउल में निकाल लेंगे।
इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं इस मिक्सचर को फ्रीज़र में रखे हुए। अब मैं एक एक करके डोनट बनाती जाऊंगी। अगर आपके डोनट बनाते हुए हाथों पे चिपके तो आपने क्या करना है, हल्का सा ऑयल आपके हाथों पे ग्रीस करना है और फिर इन डोनट को बनाना है। ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब एक बाउल में आपने कॉर्नफ्लावर लेना है और इसे एक एक करके कोट करना है। सबसे पहले कॉर्नफ्लावर में आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं इसकी जगह। सेकेंड स्टेप, अब इसे अंडे में कोट करेंगे। थर्ड स्टेप, अब इसे ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोटिंग कर लेंगे ताकि ये इवनली कोट हो जाए हर जगह से। डोनट बनाते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। मैं आपको एक और डोनट बनाकर दिखाती हूँ। अब एक राउंड शेप कटर लेना है और इसको इस तरह होल करते जाना है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई भी एक छोटी बोतल का कैप ले सकते हैं और उससे भी होल कर सकते हैं। मैंने सारे डोनट बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को आपने पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है और उसमें आपने अपने डोनट्स डालना है। जब ये 2 मिनट हो जाए तो आपने इसको टर्न करना है वन बाय वन। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइडें चेंज करते जाना है और गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। ये देखिए चिकन डोनट्स बिल्कुल तैयार हैं और अब इसे हम सर्व करेंगे। देखा कितनी जल्दी बन गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो मिक्सचर बच गया था उसके मैंने इस तरह नगेट्स बना लिए थे। अब मैं इसे एयर टाइट बॉक्स में रख दूंगी फ्रीज़र में। 10 से 15 दिन आराम से ये चल जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगा बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इससे आपको हर आने वाली नई वीडियो फ्री में देखने को मिलेगी।